इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप ट्वेंटी टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि पूछे जा सकते हैं वेल्डर्स को और प्रोडक्शन इंजीनियर्स को सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज हॉट वायर वेल्डिंग सो द आंसर इज आर्क वेल्डिंग प्रोसेस इन विच ए फिलर मेटल वायर इज हीटेड बाय ए करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर एज इट इज फेड इन वेल्ड दर्ल्डपूल सो यहाँ पे आप देख सकते हो हॉट वायर वेल्डिंग प्रोसेस सो so, इसमें जो है जो फिलर मटेरियल है वो हीट किया जाता है और वो फिर सप्लाई होगा आपके वेल्ड पूल को इसलिए इसे कहते हैं हॉट वायर वेल्डिंग सो इट इज इट इज़ अ टाइप ऑफ आर्क वेल्डिंग प्रोसेस ये एक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस का ही टाइप है जिसमें फिलर मेटल को रेजिस्टेंस हीटेड बाय ए करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर सो जो फिलर मटेरियल आप सप्लाई कर रहे हो इसको हीट किया जाता है एंड देन इट इज़ सप्लाइड टू द वर्ल्टूल

स्ट्रेंथ ऑफ द बेस मेटल ये हो गया बेस प्लेट इस प्लेट की स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ दिस प्लेट इज नोन ज्वाइंट इफिशियंसी नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज लैब ज्वाइंट ए ज्वाइंट फॉर्म बिटवीन टू ओवर लैपिंग मेंज लैब ज्वाइंट सो यहां पर आप अलग अलग टाइप के ज्वाइंट देख सकते हो वेरी फर्स्ट टाइप दैट इज बर्ड ज्वाइंट अगर दो प्लेट एक दूसरे से अलाइन आपने रखी हुई है और फिर आप वेल्ड करते हो बर्ड जॉइंट दो प्लेट एक के ऊपर एक आपने रखी हुई है और फिर अगर आप उसे वेल्ड करते हो दैट इज लैब जॉइंट दिस इज एन एग्जांपल ऑफ टी जॉइंट दिस इज कॉर्नर जॉइंट एंड दिस इज एज जॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज लेजर बीम वेल्डिंग आंसर इज प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस ऑफ मटीरियल्स विद द हीट ऑप्टेंड फ्रॉम द अप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेट कोहेरेंट लाइट बीम इम्पिंचिंग अपॉन द ज्वाइंट सो यहाँ पे आप स्किमेटिक देख सकते हो लेजर बीम वेल्डिंग का सो so, इस वेल्डिंग में एक आपके पास लाइट सोर्स होगा वो लाइट सोर्स कॉन्सनट्रेटेड लाइट सोर्स होगा जो आप इम्पिंच करोगे जिस सरपस पे जो आपको वेल्ड करना है सो so, उसके वजह से वहाँ पर हीट डेवलप होगी मटेरियल मेल्ट होगा एंड देन इट विल गेट ज्वाइन That is known as laser beam welding. Next question: What is neutral flame? The answer is an oxyfuel gas flame in which the proportion used is neither oxidizing nor reducing. So generally, a gas welding may produce. Hoti hai. That is neutral flame, oxidizing flame, and reducing flame. So this is an example of neutral flame. Here you can see. जिसमें फ्यूल का और ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो इक्वल प्रोपोर्शन में होगा देन यू विल गेट ए न्यूट्रल फ्लेम सेकेंड टाइम दैट इज सेकेंड टाइप दैट इज नोन एज कार्बराइजिंग फ्लेम जिसमें फ्यूल का जो परसेंटेज है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होगा एंड थर्ड टाइप दैट इज ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जिसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू फ्यूल सो हर एक फ्लेम में आपको अलग अलग टेम्परेचर मिलता है सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो आपको मिलेगा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्योंकि एक प्रॉपर कंबेशन होगा फ्यूल का So the maximum temperature you will get in oxidizing flame, that is around 3300 degree Celsius. In carburizing flame, you would get the temperature around 2900 degree Celsius, and in neutral flame, you can get the temperature around 31 degree Celsius, 3100 degree Celsius. Next question: What is oxyacetylene welding? The answer is processes that produces coalescence of metals by heating them. विद द फ्लेम ऑप्टेंड बाय द कम्बशन ऑफ एसिटिलिन एंड ऑक्सीजन सो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑक्सीऐसीटिलिन वेल्डिंग का सेटअप आपके पास दो सिलेंडर रहेंगे वन इज ऑक्सीजन सिलेंडर सेकेंड वन इज एसिटिलिन सिलेंडर दोनों प्रॉपर प्रपोर्शन में मिक्स होंगे उसके बाद दोनों का कंबशन होगा ड्यू टू दैट हीट इज प्रोड्यूस एंड दैट हीट इज यूटिलाइज फॉर मेल्टिंग द प्लेट्स एंड देन ज्वाइनिंग इट सो दैट इज नोन एज ऑक्सीऐसीटिलीन वेल्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग सो द आंसर इज प्रोसेस दैट ऑफ मेटल्स हिटिंग देम कंस्ट्रिक्टिंग आर्क बिटवीन एन इलेक्ट्रोड एंड द वर्क पीस और द इलेक्ट्रोड एंड द कंस्ट्रिक्टिंग नोजल सो यहाँ पे आप स्केमेटिक देख सकते हो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज प्रोजेक्शन वेल्डिंग द आंसर इज इट इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ स्पॉट वेल्डिंग इन विच द करंट एंड प्रेशर आर लोकलाइज द करंट एंड प्रेशर आर लोकलाइज एट दल्ड सेक्शन बाय द यूज ऑफ एम्बोस्ड मशीन और क्वाइंट प्रोजेक्शन वन ऑन वन और बोथ पीस ऑफ वर्क सो हेयर यू कैन सी द स्केमेटिक ऑफ प्रोजेक्शन वेल्डिंग जैसे अगर आपको ये दो प्लेट आपको ज्वाइन करना है तो एक प्लेट को आप कुछ ऐसे प्रोजेक्शन दोगे उसके बाद इसमें से करंट पास होगा एट द सेम टाइम यू विल अप्लाई द प्रेशर ड्यू टू विच द टू प्लेट्स विल गेट वेल्डेड टुगेदर सो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे दोनों जो है वेल्ड हो जाएंगे दिस इज नोन एज प्रोजेक्शन वेल्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस दैट इज एस एम ए डब्ल्यू द एस एम ए डब्ल्यू प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज स्टिक वेल्डिंग सो द वेल्डिंग affected by heating the workpiece with an arc between the covered metal electrode and the workpiece shielding is obtained from the decomposition of the electrode covering so here you can see the schematic of smaw so the arc is generated in between electrode and the workpiece electrode or workpiece which make arc generate and that heat is utilized to weld the material इसे स्टिक वेल्डिंग भी कहा जाता है क्योंकि इलेक्ट्रोड जो है वो स्टिक के फॉर्म में रहेगा शील्डिंग जो है वो यहाँ पे फ्लक्स रहेगा फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड आपको यूज करना है दैट विल गेट डिस नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज सोल्डरिंग द आंसर इज अ ग्रुप ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस दैट यूजिंग ए फिलर मेटल having a liquidus not exceeding 450 degree Celsius and below the sold solidus of the base metal. So mostly aapko ye yaad rakhna hai ki soldering jo hai wo generally use hota hai electrical connections mein और जो temperature maximum reach होता है that is around 450 degree Celsius. इसमें आपको filler को melt करना है और base metal इसमें weld नहीं होगा melt नहीं होगा. Next question. वॉट इज सॉलिड स्टेट वेल्डिंग द आंसर इज ए ग्रुप ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस कोयलेसेंस एट द टेम्परेचर इसेंशियली बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द बेस्ट मेटल बीइंग ज्वाइन विदाउट द एडिशन ऑफ फिलर मेटल प्रेशर मे और मे नॉट बी यूज सो हेयर यू कैन सी द टाइप वन ऑफ द टाइप ऑफ प्रेशर वेल्डिंग दैट इज फ्रिक्शन स्टर वेल्डिंग सो इसमें जो है मटीरियल को हीट करना है लेकिन बिलो द मेल्टिंग पॉइंट

So the metal particle expelled during the fusion welding and which which are not the part of the weld that is known as spatter. Next question: What is stud welding? The answer is a general form of joining of a metal stud or similar part to a workpiece. Welding may be affected by arc resistance, friction, or other suitable process with or without external gas shielding. So here you can see the process of stud welding. So stud जो है वो, वो वेल्ड करते हैं प्लेट के साथ जनरली ये यूज होता है शीट मेटल में नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज सबमर्ज आर्क वेल्डिंग द आंसर इज एन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस इन विच द आर्क एंड द मोल्टन मेटल आर शील्डेड बाय ब्लैंकेट ऑफ ग्रेन्यूलर फ्यूजिबल मटीरियल ऑन द वर्क पीस सो हेयर यू कैन सी सबमर्ज आर्क वेल्डिंग प्रोसेस सो दिस इज द इलेक्ट्रोड And this is nothing but the workpiece. The arc is generated in between the electrode and the workpiece, and that arc is completely surrounded by the flux, which is in the form of granules. Next question What is thermite welding? The answer is welding process that produces coalescence of metal by heating them with a superheated liquid metal from a chemical reaction between a metal oxide and aluminum with or without the application of pressure. सो so, यहाँ पे आप देख सकते हो थर्मिट वेल्डिंग का एग्जाम्पल सो जनरली ये जो है रेल की पटरी को ज्वाइन करने के लिए थर्मिट वेल्डिंग थर्मिट वेल्डिंग जो है वो यूज़ होता है सो मेटल ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम इन दोनों का यहाँ पे कंबेशन होगा जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होंगी एंड देन द टू पार्ट्स विल गेट ज्वाइन टुगेदर नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज फिलर मेटल द आंसर इज मेटल टू बी एडेड इन मेकिंग वेल्डेड ब्रेस और शोल्डर ज्वाइंट दैट इज नोन एज फिलर मेटल सो यहाँ पे आप देख सकते हो स्केमेटिकब्ल्यूट इज गैस वेल्डिंग इस वेल्डिंग के दौरान एक फिलर मेटल यहाँ पे सप्लाई किया है सो दिस इज नथिंग बट द फिलर रॉड विच इज सप्लाइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज फ्लक्स द आंसर इज मटीरियल यूज इन वेल्डिंग

एनवायरमेंट के कॉन्टैक्ट में आता है तो वहां पर ऑक्साइड्स फॉर्म होने के चांसेस ज्यादा है विच विल मेक द ज्वाइंट ब्रिटल तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एटमोस्पेरिक ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट करने के लिए आप फ्लक्स यूज करते हो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज फॉर्ज वेल्डिंग प्रोसेस दैट प्रोड्यूसे बाई हीटिंग दैम इन एयर इन ए फॉर्ज एंड बाई अपलाइंग द प्रेशर और ब्लूज सफिशियंट टू कॉज परमानेंट डिफॉर्मेशन एट द सर्फेस सो यहाँ पे आप फॉर्ज वेल्डिंग प्रोसेस देख सकते हो सो इसमें जनरली क्या होगा कि मेटल को हीट किया जाएगा एक तो एयर में हीट किया जाएगा या फिर फॉर्ज में हीट किया जाएगा एंड देन द प्रेशर इज अप्लाइड सो हेयर यू कैन सी द the metal is first heated and then the hammer is applied over it so that it will get joined together so this is known as forge welding next question what is gtaw so the answer is processes that produces coalescence of metal by hitting them with an arc produced between the tungsten that is non-consumable electrode and the workpiece shielding is obtained from the gas so here you can see the schematic of gtaw an arc is produced in between the tungsten electrode and the workpiece, and the shielding is provided by means of external gases, which can be an inert gas. The last question What is heat affected zone? The answer is the portion of the base metal that has not been melted but whose mechanical properties or microstructure have been altered. बाई द हीट ऑफ वेल्डिंग ब्रेजिंग और सोल्डरिंग और कटिंग सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये दो प्लेट है जिसे ज्वाइन किया है विथ द प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग दिस इज़ द वेल्ड बिड जो एक्चुअल मेल्ट हुआ है और ये जो पोर्शन है ये ये मेल्ट नहीं हुआ है बट जो भी वेल्डिंग की हीट है जिसके वजह से यहाँ की प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हुई है सो द पोर्शन वेयर द प्रॉपर्टी हैज़ बीन चेंज दैट इज नोन एज हीट अफेक्टेड जोन So, these are nothing but the top 20 questions which can be asked to the welders and the production engineers.